नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने मुद्रा स्फीति बढ़ाने के जोखिम का उल्लेख करते हुए अपनी मुख्य नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक उदार मौद्रिक नीति का अपना रुख बरकरार रखेगा, बशर्ते आंकड़े अनुकूल हों। रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक नीतिगत समीक्षा में आज अपने अल्पकालिक ऋण पर ब्याज को 6.5% और बैंकों पर लागू आरक्षित नकदी भंडार की अनिवार्यता 4% पर फिलहाल बरकरार रखा। राजन ने समीक्षा में कहा कि मुद्रा स्फीति के अप्रैल के आंकड़े अप्रत्याशित रहने से मुद्रा स्फीति की भावी दिशा कुछ और अधिक अनिश्चित हो गई है। अमेरिका में मोदी को मिले 1000 साल पुराने गणेश जी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत वाले एक समारोह के दौरान अमेरिका ने भारत को 200 से ज्यादा सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटा दी। इन कलाकृतियों की कीमत लगभग $10 करोड़ है। लौटाई गई चीजों में लगभग 1000 साल पुरानी भगवान गणेश जी की एक कांसे की मूर्ति भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के लिए इन कलाकृतियों की कीमत मुद्रा के रूप में हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। इनमें धार्मिक मूर्तियां, कांसे और टेराकोटा की कलाकृतियां शामिल हैं। शातिराना तरीके से आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। लालू राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी कोटे के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण खत्म करने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार शातिराना तरीके से आरक्षण खत्म करना चाहती है। यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कई ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना करते हुए लिखा कि ये शातिराना तरीके से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। कहा है छाती ठोकने वाले ओबीसी प्रधानमंत्री। मथुरा कांड की सीबीआई जांच संबंधी याचिका खारिज। उच्चतम न्यायालय ने मथुरा स्थित जवाहर बाग में हुई हिंसा की सीबीआई जांच कराने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अवकाशकालीन पीठ ने संक्षिप्त बहस के बाद अश्विनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति रॉय ने कहा कि प्रत्येक मामले में सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की नृशंस हत्या। बांग्लादेश में मंगलवार को मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने 65 वर्षीय एक हिंदू पुजारी की उस समय हत्या कर दी जब पुजारी मंदिर जा रहा था। मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यकों और धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं पर मुस्लिम चरमपंथियों के नृशंस हमलों की ये ताजा घटना है। सहायक पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ कांजीलाल ने बताया कि झिनाईगाह जिले में सुबह करीब 9:30 बजे तीन हमलावरों ने अनंत गोपाल गांगुली पर हमला कर तेज धार वाले हथियार से उनका गला काट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या उग्रवादियों ने की है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।